ज्ञान सागर हाई स्कूल ग्राम अमोरा में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात प्रभारी केजूराम रावत ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ बताया कि अभी जो भी दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है उसका कारण है हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर पर चोट लगने से कई मौतें होती है। वहीं कार चलाने वालों को सीट बेल्ट का उपयोग करने की बात कही। इसके साथ ही लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है इसके बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि इस वर्ष 45 स्कूलों में अब तक ये अभियान चला चुके हैं। केजूराम रावत प्रभारी द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए इन्होंने ये अभियान चलाया। सर, आज जो यातायात प्रभारी केजूराम रावत सर जो है, आज आपके स्कूल में बच्चों को यातायात से संबंधित जो भी जानकारी दी है उसके संबंध में बताइए। आज रावत सर ने हमारे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को पूरा आज यातायात के नियम व उनके जो संकेत हैं उनके बारे में बताया। और सर जी ने शपथ, सब बच्चों को शपथ दिलाया कि अपने माता पिता जो गाड़ी चलाते हैं, भाई बहन, उन सबको बताया कि अपने माँ पापा को, भाई बहन को हेलमेट पहन के आप लोग निकलें, और ये शपथ दिलाए हैं बच्चों लोग को। और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक से सर जी की बात सुने, और सर ने सभी बच्चों को क्वेश्चन के माध्यम से यातायात के नियमों व उसके सर बताएंगे कि आज जो आप लोगों का कार्यक्रम चला, जो यातायात से संबंधित क्या क्या जानकारी दिया गया बच्चों को? ये बच्चों को अभी वर्तमान में मैं यातायात जागरूकता अभियान के रूप में एक चला रहा हूँ, जिसमें गांव के साथ साथ स्कूलों में भी जा रहे हैं। क्या अधिकांश दुर्घटना में जो मृत्यु हो रही है वो सर के चोट के कारण हो रही है, और उसको मेन ये करते हुए हम हेलमेट के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और सीट बेल्ट के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इससे क्षति होता है उसके भरपाया किस तरीके से किया जाए, जिसमें उनके लिए कौन कौन सी दस्तावेज की आवश्यकता है, उन दस्तावेजों के बारे में, जैसे RC बुक होना जरूरी है, इंश्योरेंस होना चाहिए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उनको कैसे बनाया जाता है उनके बारे में विस्तृत जानकारी। बच्चे ही हैं मैन जो कल भविष्य में मतलब बाइक खुद भी चलाएंगे, और पापा मम्मी तो अभी चलाते ही हैं, तो पापा मम्मी को भी ये बता सकते हैं, और ये भी चलाते हैं तो अभी लाइसेंस इनको कब बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है इनके बारे में, साथ ही साथ यातायात के बारे में जानकारी रहेगा तभी ये सुरक्षित चला पाएंगे।